मेरा जो नाम इन्होंने लिखा, सवाल इनका ये है कि नी यानी घुटना वगैरह बदलना ये जायज़ है? इन डॉक्टर इस तरीके के जो मामलात के अंदर, के बहुत सारे के अंदर घुटने की हड्डी ख़राब हो जाती है, टोकरी को कटोरी जिसको शायद बोलते हैं वो ख़राब हो जाती है, कोई ऐसा पार्ट होता है कि जिसको बदला जाता है, तो क्या उसको बदलवा सकते हैं या नहीं बदलवा सकते? तो अगर ये जो पार्ट है जिस्म का, ये जो बदला जा रहा है, ये कोई आर्टिफिशियल डाला जाएगा, यानी कोई ऐसा डाला जाएगा कि जो इंसानी जिस्म का दूसरे इंसान के जिस्म का ना हो, तो उसको जो है वो बदलवा सकते हैं या उसकी सर्जरी वगैरह कराना चाहें, अगर ज़रूरत है तो उसको करवा सकते हैं। लेकिन अगर ये ऐसा होगा कि किसी और शख्स का निकाल कर डाला जाएगा, मसलन ये कि जो शख्स इंतकाल कर गया उसका, या हॉस्पिटल के अंदर जिन लोगों का पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी निकाल कर, और उस आदमी का घुटना या कोई जिस्म का आज़ा दूसरे जिस्म के अंदर ये लगाया जाएगा, तो इसकी इजाज़त नहीं है, ये जायज़ नहीं है, इसको लगवाना नाजायज़ और गुनाह है। तो एक मरतबा आप डॉक्टर से रब्ता कर लें कि ये जो आपने घुटना बदलने की बात कही है, ये कितना हिस्सा बदला जाएगा और इसके बदले में लगने वाली चीज़ क्या होगी? क्या कोई वैसी टेम्परेरी बनावटी कोई चीज़ होगी किसी और धात की अगर बनी हुई हो, या किसी और प्रोडक्ट की ऐसी कि जो हड्डी का काम करे या ऐसा कुछ काम करे इस किस्म की बनी हो, जिस तरह नकली दांत बनाए जाते हैं ना मसाले वगैरह के, तो इसी तरह अगर ये मसाले की बना के लगाई जाएगी तो इसमें हर्ज नहीं है, लगवा सकते हैं ज़रूरत के तहत। बाकी इंसान की जिस्म का नहीं लगवा सकते, ना ये घुटना, ना सर के बाल, ना और कोई। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।